हे गाइस, सी प्रोग्रामिंग में आज हम प्रोग्राम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर इन सी का प्रोग्राम करेंगे। कि इसका मतलब है कि यूज़र से एक वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू लेंगे और उसमें से चेक करेंगे उन दोनों वैल्यू नंबर्स में कौन सा छोटा है और यूज़र को वापस रिटर्न कर देंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे नए वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर दिया। अब हमारा प्रोग्राम है कि दो नंबर यूजर से लेना है। ठीक है, सबसे पहले मेन लिख देता हूँ। तो आप क्लियर स्क्रीन का भी यूज कर, CLR SCR का भी यूज कर सकते हो। तो दो नंबर तो यूजर से कंफर्म लेना ही लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इंट का यूज करता हूँ। दो वैल्यूज को मतलब यूजर से लेना है, मतलब इंट वैल्यू में। आप चाहो तो फ्लोट में भी ले सकते हो। तो अब मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट एफ का यूज करूंगा। तो एंटर टू नंबर, ठीक है, यूजर स्क्रीन में प्रिंट हो गया है कि एंटर टू नंबर। अब यूजर बोले चाहेगा कि हाँ अब मैं लिखता हूँ कोई दो नंबर। अब उस गेट करना पड़ेगा, मतलब उस वैल्यू को लेना पड़ेगा। स्कैन एफ का यूज करूंगा। तो यहाँ पे परसेंटेज दी, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू देगा। अगर सही 34 देगा उसका 24 देगा, तो दो वैल्यू तो लेना ही लेना है। उसके बाद उसका एड्रेस पास कर दूंगा ए में, उसके बाद दूसरा जाएगा बी में। ठीक है, अब इस दोनों लाइन का मतलब है कि यूजर ने देखा कि एंटर टू नंबर, उसके दो वैल्यू दे दिया, स्कैन एफ में चला गया। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है कि स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर जो यूजर ने मेरे को दिया, तो उसका इफ एंड एल्स में करता हूँ। आप चाहे तो किसी और चीज में भी कर सकते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे बैक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ थ्री थ्री कोमा टू, जैसे 3,2 देता हूँ यहाँ पे, ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, या लिखना मत नहीं तो एरर आएगा। 3,2 एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ए में 3 चला गया, बी में चला गया 2। 3 ग्रेटर देन 2 मतलब 3 बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंट करूँगा, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। तो अगर 3 ग्रेटर देन बी होगा तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर नंबर इज, ठीक है, नंबर इज परसेंटेज डी का यूज करूंगा। उसके बाद बी का बी पास करूंगा। बताऊं क्यों, कोमा करके बी करूंगा। यहाँ पे बी इसलिए पास करूंगा क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए। 3 तो ग्रेटर हो गया 2 से, तो स्मॉलेस्ट तो बी हो गया ना, तो बी पास करूंगा। तो ना जब भी प्रोग्राम करो ना, एक एग्जाम्पल लेके चलो जिससे ना पता चल जाएगा हाँ ऐसे करना है। 2-3 एग्जाम्पल लगे तो अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद बिल्ड एंड रन करो, दूसरा एग्जाम्पल हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है, उसके बाद चेंज कर दो। तो एल्स आप समझ गए कि अब बी बड़ा हो गया तो ये चलेगा। तो स्मॉलेस्ट अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो अब ये चलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी। अब मैं करूँगा ए, और लास्ट में गेट सी एस का यूज कर दूंगा स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। तो ये यहाँ पे कंडीशन चल रहा है कि अगर 3 ग्रेटर देन 2 होगा, तो अगर 3 ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब 3 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे चलेगा स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। प्रोग्राम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर नंबर का नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, इसका मतलब बी प्रिंट होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे देखता 2 लिखता पहले, उसके 3 लिखा, ए में चला गया 2, बी में चला गया 3, तो 2 ग्रेटर देन 3, 2 ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो 2 ग्रेटर देन 3 इसका मतलब है 2 ग्रेटर देन 3 नहीं है, फॉल्स हो गया। तो एल्स में चला गया, मतलब 2 ग्रेटर देन तो फॉल्स हो जाता है। उसके एल्स मतलब एल्स तभी चलते जब फॉल्स होता है कंडीशन इफ में। तो प्रिंट हो गया स्मॉलेस्ट नंबर इज परसेंटेज डी, मतलब एक प्रिंट हो गया। तो अब इसको रन कर देता, 2 और 3 को हटा देना ऊपर से, नहीं तो आप वही रखो। तो प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं 3 एंड 2 का ही देता हूँ, 3 उसके बाद 2 एंटर कर दिया, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। अब मैं कोई बड़ा नंबर देता हूँ, जिससे कुछ भी देता हूँ, 4, 4, 5, उसके बाद 1, 1, 2, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, 1, 2। मैंने दो वैल्यू डाला, 4, 4, 5, और दूसरा डाला 1, 1, 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 1, 1, 2 आया।
आप चाहे तो किसी और चीज़ फॉर वैसे में भी यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।